अब चैप्टर नंबर 31 पे हम आ चुके हैं, जिसका टाइटल है कि गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको करंट डेट और टाइम गेट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आप कैसे करेंगे। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि करंट डेट और टाइम जब आप गेट कर रहे होते हैं तो ये टाइम कहाँ से उठा के ला रहा होता है, जिस मशीन पे आपके जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है उस मशीन का जो सिस्टम टाइम और डेट होता है ये उसकी बात हो रही है। मिसाल के तौर पे आप अगर अपने लैपटॉप के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहे हैं तो आप जब करंट डेट और टाइम गेट करेंगे इस बताए गए तरीके से तो उससे क्या होगा, आपके लैपटॉप में इस वक्त जो टाइम सेट है ना वो लेकर आएगा। ठीक है, अगर आपके लैपटॉप पर टाइम गलत है तो वो गलत टाइम लाएगा, अगर सही है तो सही लाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसी तरीके से गेट करेंगे टाइम और डेट और अपने वेब पेज को पब्लिश कर देंगे आप, तो जिस कंप्यूटर पे ये चलेगा ना जाके फिर उस कंप्यूटर के टाइम डेट को गेट कर रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड जिस मशीन पे चल रहा होगा ना राइट नाउ उस मशीन के टाइम को गेट करेगा। मिसाल के तौर पे आपने अपने पास कोड लिखा, आपके लैपटॉप में टाइम सही था तो वो स्क्रीन पर टाइम सही शो कर रहा था। अब जी आपने पब्लिश कर दिया, अब जिसने पेज खोला उसकी मशीन पर चलेगा तो उसके सिस्टम का टाइम गेट होगा। ठीक है, अच्छा अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जी इस सिस्टम का टाइम गेट नहीं हो, ये कहीं सर्वर से गेट करके लाए, तो उसका मेथड अलग है, उसका तरीका अलग है, वो हम जब सर्वर पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कि जी सिंपल कुछ भी नहीं है, बता ही देता हूँ अभी कि जी ये वाला मेथड ना गेट टाइम वाला मेथड मैं फ्रंट एंड पे नहीं लगाऊंगा, फिर मैं लगाऊंगा सर्वर पे, क्योंकि सर्वर तो मेरा है, मुझे पता है सर्वर पे टाइम हमेशा सही होगा और सर्वर से गेट करके ना फिर इधर फ्रंट एंड पे ला के दूँगा तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा टाइम सही आएगा। ठीक है, फ्रंट एंड अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा सही टाइम चाहिए हो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं सर्वर से उठा के लाऊंगा टाइम। कुछ ऐसी भी जगहें हो सकती हैं कि जहाँ पे फ्रंट एंड बल्कि कुछ क्या 80% ऑफ द टाइम मुझे सिस्टम का यानी लैपटॉप में क्या टाइम हो रहा है उसको देखना होगा। ठीक है, या उससे मुताल्लिक़ दूसरे ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसा कि फॉर्म के ज़रिए अगर मैं टाइम का इनपुट ले रहा हूँ उसको मैंने प्रोसेस करना है तो वो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो वो सही टाइम मुझे ना जस्ट 20% ऑफ द टाइम चाहिए होता है, बाकी 80% ऑफ द टाइम जो है वो मैं टाइम का इनपुट ले रहा होता हूँ या आउटपुट दिखा रहा होता हूँ, कुछ इस तरह का भाई यूज़र से इनपुट लिया उसी को फॉर्मेट करके दिखा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम का इनपुट आउटपुट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने बात लिखी है कि योर वेब पेज इंक्लूड्स अ नोटिस टेलिंग द यूज़र द करंट लोकल टाइम एंड डेट इन हिज पर्टिकुलर टाइम जोन, बट व्हाट इज द करंट डेट एंड टाइम, हियर इज शो जावास्क्रिप्ट फाइंड आउट। अच्छा, इसने वार करके वेरिएबल बनाया है ES5 में, हम बनाएंगे लेट करके, हम कहेंगे लेट राइट नाउ या कोई भी वेरिएबल के आपकी मर्जी का नाम होगा ये इक्वल्स टू न्यू डेट। ये न्यू डेट करने से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट मुझे ये रिटर्न करेगा जो कि इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो यहाँ पे इन्होंने जो है ना एक डायग्राम बना के चेक करवाया है। असल में ये इतनी लंबी लाइन होगी, अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा है तो ये जो नीचे मंडे नवंबर 9/2015 और ऐसे GMT+। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, डे ऑफ वीक मौजूद है, मंथ मौजूद है, डेट मौजूद है, एयर आवर्स मौजूद है 24 आवर के फॉर्मेट में, मिनट्स मौजूद है, सेकंड मौजूद है, ऑफसेट फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम, जो एक सेंटर पॉइंट सेलेक्टेड है पूरी दुनिया में उससे ऑफसेट कितना है वो इसमें डिस्कस हुआ हुआ है, और करंट जो टाइम जोन जिसमें बैठा हूँ वो डिस्कस हुआ। ठीक है, तो अब ये मुझे करंट डेट जब भी मैं गेट करूँगा तो मुझे ये पूरा फॉर्मेट इस तरह करके मिलता है। अच्छा, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले ज़रा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये डेट टाइम है क्या भला, ये डेट टाइम आई कहाँ से, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ डेट एंड टाइम, कोई किसी को आइडिया है कि ये डेट और टाइम का ओरिजिन क्या है, कहाँ से कब शुरू हुआ ये और कैसे शुरू हुआ। इजिप्शियंस ने शुरू किया दिनों को काउंट करना, हिसाब किताब रखना। और कोई बताए आप में से किसी को आइडिया है अगर तो। मॉडर्न डेट एंड टाइम कीपिंग कैसे होती है, किसी को आइडिया इस बारे में? मॉडर्न डेज में डेट एंड टाइम की कीपिंग कैसे होती है? मिसाल के तौर पे जैसे आपके अगर, वैसे तो आजकल फ़ोन में अब टाइम ख़राब नहीं होता, ठीक है, अब वो फ़ोन में बिल्ट इन क्योंकि बैटरी होती है, पहले तो ये होता था बैटरी निकालो तो टाइम ख़राब हो जाता था उसका, लेकिन अब क्योंकि बिल्ट इन बैटरी होती है तो टाइम ख़राब नहीं होता। फिर दूसरा ये कि वो अब सर्वर से वो अपडेट भी होने शुरू हो गए, जो नए वाले स्मार्टफोन है वो उसमें टाइम सेट नहीं करना पड़ता, वो सर्वर से खुद ही समझ जाता है। तो लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई घड़ी है, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, इस तरह का कोई भी सिचुएशन हो गई कि उसका टाइम लूज़ कर गया, तो आप वो टाइम कैसे सेट करते हैं? दूसरी घड़ी को देख के करते हैं। अब इमेजिन करो कि मोहल्ले की सारी घड़ियाँ समहाउ टाइम उसका लूज़ हो गया, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है। फिर क्या करोगे? न्यूज़ में से देख लोगे, है ना? अच्छा, न्यूज़ वाले कहाँ से देखेंगे? कौन से सर्वर से? गूगल से देखेंगे। न्यूज़ का अगर टाइम आगे पीछे हो गया तो गूगल से शायद देख ले वो, और गूगल कहाँ से देखेगा? सूरज से, सैटेलाइट से। नहीं तो वो तो फिर टाइम 2-4 सेकंड आगे पीछे हो जाएगा फिर। हाँ, नहीं 2-4 सेकंड अगर टाइम आगे पीछे हो जाए ना, इससे बहुत गड़बड़ हो जाती है। ये नहीं हो, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम कि 1 सेकंड भी आगे पीछे हो जाए टाइम। क्यों? पता है उसका रीज़न? उसका रीज़न ये है कि जब यहाँ से, मिसाल के तौर पर फ्लाइट की हम मिसाल ले रहे हैं, फ्लाइट अगर एक जगह से उड़ती है ना तो उसका डिस्पैच टाइम होता है, और फिर जहाँ जाके लैंड होती है वहाँ के टाइम फॉर्मेट में उसका जो है वो लैंडिंग टाइम होता है। अब ये जो मामला है ना कि जी टिकट बनाने वाली कंपनी अलग है, टिकट सेल करने वाली कंपनी अलग है, एयरलाइन अलग है, एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट की अलग है। अब एक बंदे ने टिकट ख़रीदा और टिकट ख़रीद के जाके प्लेन में बैठ गया वो, अब वो टिकट जो ख़रीदा है उसने, वो टाइम जो है वो प्लेन के डिस्पैच के बाद का टाइम है, इमेजिन कर लो। तो ये गड़बड़ है। कभी भी सिस्टम में इसकी वजह से ना प्रॉब्लम आ सकती है, रश लग सकता है, लोगों का टाइम ज़ाया हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बाद में कभी कोई लॉ सूट वगैरह होता है, कोई कोर्ट में मामला जाता है, तो वहाँ पे भी ना टाइम मैच नहीं होता, तो बड़ा मसला हो जाता है। वो कहता है यार ये तो आपका, ये चीज़ें इनवैलिड हो जाती है ना, अगर टाइम मैच ना हो तो चीज़ें इनवैलिड हो जाती हैं कि जी अच्छा ये इस वक्त तो, मिसाल के तौर पर कोई जुर्म हुआ है, उस वक्त तो ये मैं प्लेन के अंदर था और प्लेन का टाइम है गलत, सही है, तो वो ग्लिच का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो इस तरह का ग्लिच नहीं हो सकता। फिर इसी तरीके से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें भी अगर 1-2 सेकंड आगे पीछे हो जाए ना मामला, तो फिर वो डबल ट्रांजैक्शन लग सकती है, तो इस तरह का मामला हो सकता है। तो टाइम को आगे पीछे होने का मॉडर्न डे के अंदर 2022-23 के अंदर हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि 1 मिलीसेकंड भी टाइम आपका आगे पीछे हो जाए, ठीक है। कुछ अरसे पहले बल्कि एक न्यूज़ भी चली थी कि पाकिस्तान रेलवे का जो टाइम है ना और पाकिस्तान का जो एयरलाइन का जो टाइम है, इसमें डिफरेंस है, पता नहीं इस तरह की कोई बात निकली थी, तो उसको फ़ौरन अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया और उसको सही किया। अच्छा, तो अब ज़रा ये समझ लो कि ये टाइम का चक्कर क्या है। तो मॉडर्न डे टाइम जो है ना, ये 1970 से इसको काउंट किया जा रहा है। 1970 में शायद इनको ख्याल आया कि कुछ अथॉरिटीज़ बना दी इन्होंने, कुछ इदारे ऐसे बना दिए जो टाइम कीपिंग का ही काम करते हैं। उनका काम ये कि टाइम को कीप करके रखना, ठीक है। अच्छा, टाइम कीपिंग जो है वो एक बड़ा सीरियस बिजनेस है और बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंदर मौजूद हैं। IBM का भी एक फैसिलिटी है जो टाइम कीपिंग करता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो घड़ी होती है ना, उसका टाइम एक्यूरेट नहीं होता, ये सब लोगों को पता है। अच्छा, वो घड़ी का वैसे तो टाइम एक्यूरेट होता है, लेकिन अगर वो घड़ी 10 साल तक कंटिन्यूसली चलती रहे ना, तो उसका टाइम या तो कुछ मिलीसेकंड कम हो जाता है या तो कुछ मिलीसेकंड ज़्यादा हो जाता है। एक्यूरेसी का मसला होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए एक ख़ास किस्म की घड़ी आ चुकी है मार्केट में, जिसको हम एटॉमिक वॉच कहते हैं, सही है। उसमें क्या होता है, एक एटम होता है और उसको एक जार में या कंटेनर में बंद कर देते हैं, छोटा होता है काफ़ी, ज़ाहिर है वो, और वो जो इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल उसमें ऐसे हिल रहा होता है, यानी लाइट होती है, एक मिरर ऊपर एक मिरर नीचे, और वो लाइट आपस में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो वो एक सेकंड में वो कितनी दफ़ा रिफ्लेक्ट होती है उससे टाइम वो मेजर करके रखते हैं, उससे टाइम कीपिंग करता है। ठीक है, वो काफ़ी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है क्योंकि जो आपकी ये एनालॉग घड़ी है या इवन डिजिटल घड़ी भी जो है, इवन ये लैपटॉप के अंदर भी जो घड़ी लगी हुई है एक टाइमर चिप होती है इसमें जिससे घड़ी चल रही होती है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक टाइमर चिप होती है। ठीक है, अगर वो आपने सबने देखा ही होगा। ये जो चीज़ लगी हुई है ना ये वाली, ये सब लोगों ने देखी, ये जो बीच में ये होता है, ये इसके बगैर टाइम को कैरी करना पॉसिबल नहीं होता। सही है, एक इसकी एक और फॉर्म होती है, इसका एक और फॉर्म होता है, वो भी मैं अगर नज़र आ जाए। अब तो खैर वो इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर सब कुछ अंदर होता है, दिखता नहीं है कुछ, लेकिन कुछ ये पुराने सर्किट्स में इस तरह से हुआ करता था। ठीक है, एक ये लगा हुआ है, ये भी इसी का एक फॉर्म है, ये देख रहे हो। अच्छा, ये तो थोड़ा लंबा है, एक थोड़ा कम होता है, हाइट में कम होता है इससे एक। इसका एक बड़ा अच्छा नाम होता है यार, वो मैं भूल रहा हूँ अभी क्या नाम होता है इसका। टीएस, इसका एक बड़ा अच्छा नाम होता है। बहरहाल इसको अलग से स्टडी कीजिएगा अगर आप चाहें तो। वेल, तो ये जो चिप मैंने आपको दिखाई ना, इसके अंदर अप्रोच क्या ये अख्तियार करते हैं, अप्रोच ये करते हैं कि एक मेटल की रॉड होती है, एक ख़ास किस्म के मेटल की रॉड होती है, और उसको इलेक्ट्रिकली उसको वाइब्रेट करवाते हैं। ठीक है, आपको पता है हर मैटर की एक वाइब्रेशन होती है नेचुरल, तो उसकी एक नेचुरल वाइब्रेशन है, पता नहीं 13 लाख पता नहीं कितनी करके है वो पर सेकेंड, तो वो उसकी वाइब्रेशन को वो काउंट करते हैं और उस वाइब्रेशन को वो प्लस माइनस करके ना आगे पीछे करके सेट कर देते हैं। लेकिन उसकी वाइब्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट होती है, ऊपर नीचे हो जाती है। भाइयों क्या डिस्कशन हो रही है मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो वो थोड़ी सी इनएक्यूरेसी उसमें होती है। जो एटॉमिक वॉच होती है वो इससे थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है, अगर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है ना, उसके कम या ज़्यादा होने से ना वो मेटल जो है उसकी वाइब्रेशन में भी फ़र्क आ जाता है और एटम की मूवमेंट में भी फ़र्क आ जाता है। तो जो टाइम कीपिंग फैसिलिटी होती है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर वगैरह XYZ प्रेशर वो एक मेनटेन करके रखते हैं। अच्छा, और जब भी किसी को टाइम चाहिए होता है सही वाला टाइम, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली उस फैसिलिटी से रब्ता किया जाता है। उन फैसिलिटीज़ को ऐसी जगह पे बनाया जाता है कि नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह से वो महफूज रहें। ठीक है, मल्टीपल फैसिलिटीज़ आपस में टाइम शेयरिंग भी करके रखती हैं, और वो डेडिकेटेड मशीन्स होती हैं, उसके लिए डेडिकेटेड बंदे होते हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये टाइम कीपिंग यहाँ से चल रही है। और 1970 में इस तरह की शायद कोई पहली फैसिलिटी हुई होगी सेटअप, तो इसको मिली सेकेंड में कैरी किया जा रहा है टाइम को। ठीक है, तो आप जब भी टाइम गेट करते हैं वहाँ से, तो वो आपको क्या देते हैं, 1970 से लेके अभी तक का मिली सेकेंड में आपको टाइम देते हैं। ठीक है, और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर इसकी सपोर्ट मौजूद है कि आपको अगर टाइम मिलता है मिली सेकेंड में, तो वो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए नेचुरल फॉर्मेट में जो हम इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टाइम के बारे में हमने क्या बात सीखी, एक तो बात ये सीखी कि टाइम कीपिंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। अच्छा, और हमारी जो डिवाइसेस जितनी भी होती हैं इसका टाइम कभी ना कभी खुद से ये लूज़ कर जाता है। जो आपने देखा होगा कि जो हैंड वॉचेस होती हैं, जो रिस्ट वॉचेस होती हैं, वो काफ़ी महंगी होती हैं समटाइम। अच्छा, तो जब ये शुरू में वॉचेस आई थी ना, तो उस वक्त ये वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उसमें। ये जो चिप आपको दिखाई ना मैंने, ये डिजिटल वॉचेस के अंदर है। डिजिटल वॉचेस से मेरा मतलब ये है कि एक वो दिखता रहा है उसमें कांटे वाली वॉच है, लेकिन अंदर उसकी छोटा सर्किट होता है जो टिड़िक 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 करके कांटे को आगे करना होता है। इससे भी पहले कई दूसरी जनरेशन्स गुजरी हैं रेस्ट वॉचेस की, तो वो वाली जो होती थी ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। एक वो पेंडोलम वाली वॉच होती थी कि उसमें वो हिला हिला के उसको चाबी भरते थे रेस्ट वॉच में, और अंदर वो पेंडोलम घूमता था, उससे वो कांटा आगे बढ़ता था। उसकी एक्यूरेसी जो वो काफ़ी मुश्किल होती थी उसको एक्यूरेट बनाना, लेकिन अब तो हमारे पास 100 रुपये में भी रेस्ट वॉच अवेलेबल है, और वो 100 रुपये वाली रेस्ट वॉच भी एक्यूरेट होती है। मतलब महीने डेढ़ महीने में तो उसका टाइम कहीं नहीं जाता। हो सकता है शायद 5 साल बाद वो आगे पीछे हो जाए, वो भी एक आध मिनट आगे पीछे होगी, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, हमारे घरों में जो घड़ी लगी हुई होती है वॉल क्लॉक, मतलब वॉल क्लॉक के अंदर भी जो एक्चुअल क्लॉक का जो एलिमेंट है ना वो तो 40-50 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। वैसे तो वॉल क्लॉक महंगी होती है, लेकिन उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो 40-50 रुपये का या शायद 100 रुपये का, वो इतना एक्यूरेट होता है कि उसमें एक बार अच्छे वाला सेल डाल दो तो 2 साल तक वो सेट रहता है। जब तक सेल ख़त्म नहीं हो जाता टाइम में एक्यूरेसी में कोई गड़बड़ नहीं आती और वो बिल्कुल सही चलता रहता है। तो टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी इवॉल्व कर गई है, तो ये टाइम हमें अब कोई मसला नहीं लगता। वरना कुछ अरसे पहले, आज से 20-30 साल पहले, टाइम वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, टाइम को कैरी करना। अच्छा, फिर क्या होता है, अब जो टाइम फैसिलिटी से जब आप टाइम गेट करते हैं ना, वो API के जरिए गेट होता है, तो उसको आने में जितना टाइम लगता है वो भी हम माइनस करते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ टाइम मिल जाता है। जितने भी स्मार्टफोन है वो सब अपने अपने सर्वर से टाइम गेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एप्पल के जो iPhones हैं उसमें टाइम सेट करने का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया है उन्होंने, यानी इतना कॉन्फिडेंट हो गया इस चीज़ को लेके कि iPhone के अंदर टाइम चेंज करने का ऑप्शन ही हटा दिया। तो अब वो जब भी फ़ोन ऑन होता है वो एप्पल के सर्वर से वो टाइम अपडेट कर लेता है। एप्पल के सर्वर वाले किसी टाइम कीपिंग फैसिलिटी से सिंक में रहते होंगे, उनसे पेड API ली भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट किया हो, वहाँ से चलता होगा। तो ये टाइम की भाई एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको पता चल गई। अच्छा, एक बात मैं और कुछ वो करना चाह रहा था। हाँ, अब ये तो एक मसला हल हो गया। अब एक मसला लेकिन अभी भी रह गया कि भाई सूरज जो निकलता है ना वो निकलता है मशरिक से और मगरिब की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड मैप के अंदर जो मशरक़ी कंट्रीज़ हैं उसमें सूरज पहले आ जाता है। ठीक है, अभी ज़रा वर्ल्ड मैप भी एक लगा लिया जाए यहाँ पर। से मैं आपको लेगा भाई, चलो ये वाला लगा लेते हैं। अबे इसमें तो नॉर्थ वेस्ट भी नज़र नहीं आ रहा है, कौन सा कंपास लगाया है इसमें। वेल यार, एक रूल ऑफ थंब होता है, वो हम गूगल वाला ही मैप लगा लेते हैं। एक रूल ऑफ थंब ये होता है कि मैप जब भी रखते हैं ना तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो मैप खुला हुआ है ना इसमें नॉर्थ किधर है, इसमें नॉर्थ ऐसे ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होने का मतलब क्या है, अगर हम वापस जाएं कॉम्पास, ठीक है, नॉर्थ ऊपर होने का मतलब क्या है कि इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ ईस्ट है मैप के अंदर। अच्छा, तो ईस्ट का मतलब ये हुआ कि हमें अपने स्क्रीन की राइट साइड पे देखना है, तो राइट साइड पे जो कंट्रीज़ हैं वो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ना आप देखो चाइना, पाकिस्तान भी काइंड ऑफ ईस्टर्न कंट्री है। अच्छा ये जो लकीर लगी हुई है ना, यहाँ से ये मैप ख़त्म है, सही है, यहाँ पर से ये मैप ख़त्म है। तो ये जापान, कोरिया वगैरह, ये फिलिपीन, ये सारे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये मलेशिया, इंडोनेशिया। फिर हम आते हैं पाकिस्तान, हमारे बाद फिर अफ़गानिस्तान, इराक़ वगैरह, सऊदी अरब, ये सारी मशरक़ी कंट्रीज़ हैं। अच्छा अगर इसको हम ना, अभी इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं हो रहा मैप, लेकिन काइंड ऑफ ज़मीन तो क्योंकि बॉल की तरह गोल है ना, थोड़ी स्फेरिकल शेप है, पूरा बॉल तो नहीं है लेकिन काइंड ऑफ स्फेरिकल शेप है। तो अब आप इसको लगा लें कि ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये आप समझ लो कि इस बॉल के ना दरमियानी लाइन है, ये सही है। तो और ये पूरा गोल है। अब यहाँ से अगर हम देखें ना तो काइंड ऑफ इस जगह पे कहीं पे ये दरमियान बनता है इसका, ठीक है। तो अभी इसके साइड वाला जो है देख रहे हो, यहाँ पे ये मैप ख़त्म है। तो मतलब इसको मैं घुमाऊंगा तो ये वापस घूम के आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि बॉल है ना, बॉल को मैं घुमाऊंगा तो वापस घूम के आ जाएगा। तो इस वाली कंट्रीज़ को, कनाडा को, यूएसए को, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, क्योंकि इस तरफ जो है वो आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर जो है वो वेस्ट है, ठीक है, ये देखिए आप स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर वेस्ट है। तो ये रूल ऑफ थंब है कि मैप जब भी रखा जाएगा ना तो ऐसे नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके रखा जाएगा, और जब मैप देखते हैं जब, तो वो भी कंपास को ऐसे नॉर्थ पॉइंट करते हैं और वहाँ रख के फिर ऐसे मैप को देखते हैं कि अच्छा जी हमने पीछे जाना है, आगे जाना है। तो ये एंशिएंट टेक्निक्स है। अब गूगल मैप के आने के बाद ये चीज़ें भूल चुके हैं, लेकिन स्टिल गूगल मैप जब ही काम करेगा जब टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी। जब टेक्नोलॉजीज़ फेल होती हैं तो आना पड़ता है उसी कंपास पर। इवन दो कि अभी भी जो शिप्स वगैरह पर ट्रैवल होता है, जो पानी पर जो चलती है शिप्स, उसमें कंपास लाजमी पार्ट समझा जाता है उनकी बॉडी का। हर जो कैप्टन होता है उसकी बॉडी में ही कंपास कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है ना, मतलब रेंज से बाहर निकल गया या समहाउ कोई पावर आउटेज हो गया, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई, जब डूब गई शिप, बंदा ही बचा है सिर्फ, तो अब उसके पास तो कंपास ही है सिर्फ। तो कंपास एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है इस वक्त भी नेविगेशन का। तो अब पॉइंट ये जो बताना ये चाह रहा था मैं कि जी सूरज निकलेगा यहाँ पर ईस्ट की तरफ से, तो ये मंगोलिया में, रशिया में पहले हो जाएगी सुबह। अच्छा यहाँ तक सूरज को पहुँचते पहुँचते ना, हमारे पास पहुँचते पहुँचते इसको लगेंगे 5 घंटे। ये तो मैप तो देखने में कुछ भी नहीं है ना, एक बालिश का लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी दुनिया है। तो यहाँ से ना जापान से पहुँचते पहुँचते शायद पाकिस्तान 5-6 घंटे लग जाए। अच्छा फिर और आगे जाते जाते 5-6 घंटे बाद ये मोरक्को पहुँचेगा शायद। अच्छा और उसके बाद मज़ीद 4-5 घंटे लगा के शायद ये क्यूबा वगैरह तक पहुँचे, और मज़ीद फिर 2-3 घंटे लगा के ये अमेरिका और कनाडा पे पहुँचेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जी टाइम जो है ना वो हर जगह का सेम नहीं है, टाइम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो सनराइज़ मतलब दोपहर के 12 बजे जब होते हैं, जब नून होता है, सूरज बिल्कुल सर पे होता है। बट ये सूरज बिल्कुल सर पे बैक वक्त सारी दुनिया में नहीं हो सकता, ये किसी एक वक्त में किसी एक दुनिया की एक जगह पर हो गई है। तो उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने क्या किया, टाइम जोन बना दिए, ठीक है। टाइम जोन पूरी दुनिया के अंदर 15 के करीब शायद टाइम जोन है, जो -8 से स्टार्ट होते हैं और +8-9 तक ये जाते हैं, ठीक है। तो शायद ये 8 से भी ज़्यादा है। अब उसका सीन क्या होता है, अब यहाँ पर मैं आपको ज़रा टाइम जोन के डिवीज़न दिखा देता हूँ। ये जी हमारी टाइम जोन के डिवीज़न है। अच्छा ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इसको बहुत गौर से समझ लो वरना ये रुलाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट की बात नहीं है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ये जो कॉन्सेप्ट है, टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, ये सेम है। इसको बहुत गौर से समझोगे तो ये समझ में आ जाएगा एक ही दफ़ा, फिर ये दोबारा तंग नहीं करेगा कभी, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये टाइम जोन ये आ गए सारे आपके, ठीक है। हम जिस टाइम जोन में लाए कर रहे हैं ना, वो ये देखो हम ये यहाँ पे लाए कर रहे हैं। +5 हमारे टाइम जोन का नाम है, ठीक है। अच्छा दरमियान में टाइम जोन काफ़ी आपस में मिक्स हुए हैं, लेकिन मोर और लेस वो एक सीधी लकीर खींची हुई है कि अच्छा जी सूरज जो वो इधर से निकलेगा तो 1-1 घंटा करके वो ऐसे ट्रैवल करता जाएगा, तो वो 1-1 घंटा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने, जैसे चाइना ने, देखो असूलन यहाँ पे लगते हैं 1 टाइम जोन, 2 और 3 और 4 टाइम जोन लगने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने 1 रखा हुआ है पूरा टाइम जोन, पूरे कंट्री का, ठीक है, फॉर द वेरी गुड रीज़न कि अच्छा यार पूरी कंट्री में वो एक ही जैसा टाइम हो तो कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट ना हो समाउ। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है एक से ज़्यादा टाइम जोन भी लग रहे होते हैं, जैसा कि ये आप देखें कनाडा के अंदर कितने टाइम जोन्स हैं डिफरेंट, ये पूरा कनाडा है, ठीक है, इसमें 1, 2, 3 और 4 अलग अलग टाइम जोन है इसके अंदर, ठीक है, जो कि -4 से शुरू है और -8 तक ये गया हुआ है, ठीक है। फिर आप यूएसए, अच्छा यूएसए 2 पार्ट्स में ना, तो आप देखें यूएसए एक ये इतना पार्ट है नीचे वाला, ठीक है, और एक पार्ट है यूएसए का ये, तो आप ये देखें यूएसए में भी 1 टाइम जोन, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ हिस्सा 6ठे टाइम जोन में आ रहा है, तो 6 अलग अलग टाइम जोन है यूएसए के अंदर। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप देखें ब्राज़ील में भी डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, ग्रीनलैंड में भी 2 टाइम जोन लगते हैं, इस तरफ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखें 3 अलग अलग टाइम जोन में ये जा रहे हैं, इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन है, एक 5:15 है, एक पता नहीं कौन सा है, 5, अच्छा नहीं वो नेपाल है, ठीक है, तो सही है जी। तो अलग अलग थोड़े अलग अलग टाइम जोन भी बने हुए हैं यहाँ पे। वेल, तो पॉइंट अब ये है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। टाइम कीपिंग फैसिलिटी में और इस मंजन में ये दरमियान में एक कन्फ्यूजन है कि ये कैसे होगा। अब ज़रा कोई मुझे आइडिया दो कि अगर तुम में से कोई होता और उसको ये प्रॉब्लम दिया जाता, दीज आर द प्रॉब्लम्स ना, मतलब प्रॉब्लम इस सेंस में नहीं कि परेशानी, प्रॉब्लम इस सेंस में कि एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। प्रॉब्लम इस सेंस में कि आपको एक टास्क मिला है कि अच्छा जी दुनिया में तो इस तरह से टाइम जोन लोगों ने डिवाइड किए हुए हर, क्योंकि टाइम कीपिंग फैसिलिटी जब तक नहीं बनी थी, जब तक टाइम कीपिंग सूरज से होती थी, जैसा कि दोस्त ने बताया कि भाई अल्टीमेटली जो सूरज पर घूम के आएगा सब, तो हर किसी ने वो एक सोलर क्लॉक हुआ करती थी, अभी भी होती है, तो वो सोलर क्लॉक लगाई भी होती थी किसी एक ने पूरे शहर में, या गवर्नमेंट ने लगाई होती थी, वहाँ से वो सोलर टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, लोग वहाँ से टाइम लेकर आ जाते थे जाके, तो वो हर किसी ने अपना अपना टाइम जोन बनाया हुआ था उस सोलर क्लॉक के हिसाब से, तो वो तो एक चल रहा था। ये पुरानी, ये मैप उससे भी पुराना है, टाइम कीपिंग फैसिलिटी से बहुत पहले गई। अब हमने बना ली टाइम कीपिंग फैसिलिटी जिसमें हम 1970 से अभी तक का टाइम मिली सेकेंड में कैरी कर रहे हैं और ऑनवर्ड्स करते रहेंगे। अब इन दोनों के बीच में ब्रिज कैसे बनेगा, क्या ऐसी चीज़ करें हम कि सेट हो जाए मसला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम एक टाइम जोन को पकड़ लेते हैं और उस टाइम जोन के हिसाब से हम टाइम चलाएंगे अपना। अच्छा, वो टाइम जोन कौन सा है? वो है ये वाला, सही है, 0, ये दरमियान है बिल्कुल इस मैप का ना, ठीक है। ग्रीनलैंड करके आ जाता है, पता नहीं इसमें कुछ, अच्छा इसका नाम ग्रीन विच क्यों रखा है ये मुझे नहीं पता, किसी को आप में से पता है तो बता सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या फॉर्मली कॉल्ड ग्रीन विच मेन टाइम। ग्रीन विच जो नाम था वो फॉर्मल है इसका, यानी पुराना नाम है, नया नाम इसका है UTC, ठीक है जी। तो UTC इसको कह सकते हैं या GMT कह सकते हैं, और इसका जो ऑफसेट है वो 0 है। इसके इस ऑफसेट से लेफ़्ट पे जो है उसको हम कहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़, इस ऑफसेट से राइट पे जो है उसको हम कहेंगे ईस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक मसला हल हो गया कि जी अच्छा हम जब भी टाइम को, क्योंकि हमने वरना अलग अलग टाइम जोन के अलग अलग टाइम स्टोर करने पड़ते हैं ना, इन्होंने कहा नहीं हम एक को बना लेते हैं दरमियान, और उसका जो भी टाइम जोन होगा उसके टाइम के हिसाब से हम टाइम को स्टोर करेंगे, पूरी दुनिया की तमाम फैसिलिटीज़ जहाँ जहाँ भी बनेंगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ पाकिस्तान के अंदर, मुझे जब टाइम कीपिंग फैसिलिटी से टाइम मिलेगा तो मुझे मिलेगा इस फॉर्मेट में, ठीक है, कि 1 जनवरी मिडनाइट से लेके 1 जनवरी 1970 के मिडनाइट से लेके और अभी तक का टाइम मिली सेकेंड में मिलेगा। मैं अगर पाकिस्तान में हूँ तो मैं उसको पहले तो नेचुरल टाइम में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसमें कितने आवर इंक्रीज़ कर लूँगा। हम बैठे हुए +5 में इधर, ठीक है, हम +5 में मौजूद हैं, ठीक है, +5 है हमारा ये, तो मैं उसमें कर लूँगा +5, तो मेरा टाइम निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर सेम टाइम पे मिसाल के तौर पे फेसबुक पे एक पोस्ट हुई, अभी राइट नाउ, तो फेसबुक के सर्वर पे जब टाइम स्टोर होगा ना इसका, तो वो किस फॉर्म, वो +5 में नहीं होगा, वो होगा ग्रीनविच का जो यूनिवर्सल टाइम जो है उसमें स्टोर होगा। तो किसी भी सर्वर में, किसी भी डेटाबेस में जब भी हम, क्योंकि टाइम कीपिंग फैसिलिटी का मतलब है हम डेटाबेस में भी तो टाइम हम भी रखेंगे ना, जब हम कोई पोस्ट करेगा बंदा उसका टाइम तो रखना है कि अच्छा कितने बजे हुई है पोस्ट, जब भी तो दिखा पाएंगे कि भाई 2 आवर अगो या 3 आवर अगो। +5 में कभी भी टाइम स्टोर नहीं होगा, टाइम हमेशा स्टोर होगा मिली सेकेंड्स के अंदर, और मिली सेकेंड के अंदर वो टाइम जब स्टोर हो जाएगा तो फेसबुक, मैंने यहाँ से खोल के पोस्ट मारी थी, अब सेम पेज को कोई खोलेगा अमेरिका से, तो उसको टाइम जो रिसीव होगा वो किस में रिसीव होगा, उसी मिली सेकेंड में होगा। लेकिन अब की बार उसको टाइम डिस्प्ले करवाने के लिए वो +5 नहीं करेगा अब की बार। वो क्या करेगा कि जो भी उसका जो है ना वो होगा, टाइम जोन लगता होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई बंदा न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है तो वो -5 करेगा, ठीक है, -5 चल रहा है न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगर कोई डेनवर में बैठा हुआ है तो वो -7 करेगा। अच्छा, वो नहीं करेगा, वो जावास्क्रिप्ट की एक लॉजिक लगी हुई होगी, वो करेगी, ठीक है। अच्छा, वो लॉजिक कैसे लगी हुई होगी, वो लॉजिक ऐसे लगी हुई होगी, अब वापस आ जाते हैं हम अपनी बुक में। देखो, सिस्टम का करंट टाइम गाइड किया है, इसमें इसने क्या बताया साथ में, टाइम और डेट वेट XYZ सब कुछ बताया, और -6 भी बताया साथ में, क्योंकि ये जिस कंट्री में जो लिखी गई थी बुक शायद उसने अपनी कंट्री का लगा दिया, -6 लगाया है इसने साथ में ना। अच्छा, हम जब गेट करेंगे तो ये -5 करके हमें देगा, तो इस -6 का मतलब क्या है, इस -6 का मतलब ये है अच्छा कि सिस्टम के अंदर भी जो टाइम चल रहा है ना वो भी मिली सेकेंड में चल रहा है, मेरे कंप्यूटर डिवाइस में भी जो टाइम चल रहा है वो भी मिली सेकेंड में चल रहा है। लेकिन सम हाउ इसने डिटेक्ट कर लिया कि मैं पाकिस्तान में हूँ, और यहाँ पे -5 करके +5 करके मुझे दे दिया इसने सम हाउ, ठीक है। अच्छा, वो कैसे, वो ऐसे है कि जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ ना, तो वहाँ पे मुझसे बीच में वो पूछता है आपका रीजन क्या है, आप यूनाइटेड स्टेट में, आप पाकिस्तान में, आपका टाइम जोन पूछता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर की सेटिंग के अंदर टाइम जोन का एक बाकायदा जगह बनी हुई होती है। अगर मैं अपनी सेटिंग में जाके देखूं, रीजन करके आ रहा होता है, है ना, लैंग्वेज एंड रीजन करके ये मेरे पास आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, रीजन पाकिस्तान है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। देखो +5 यहाँ पे पता चल रहा है इसको कि अच्छा जी अगर आपने पाकिस्तान सेट किया हुआ तो +5 है ये, ठीक है। अगर मैं इसको पाकिस्तान को चेंज करूँगा, अच्छा इसको मैंने चेंज करना नहीं होता वैसे पूरे, वरना सिस्टम गड़बड़ हो जाती है, पर +5 चेंज नहीं हुआ भाई इधर, इसको वापस मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। वेल, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर ना ये चीज़ इसको पता चल जाती है मेरे कंप्यूटर को कि टाइम जोन मेरा क्या है। मैंने रीजन चेंज किया तो टाइम जोन उसने पकड़ा नहीं, पिक नहीं किया, लेकिन समहाउ कुछ हो जाता है। अच्छा, विंडोज़ के कंप्यूटर में तो टोटली इस पर डिपेंडेंट होता है, जो मैक कंप्यूटर्स होते हैं उसमें समटाइम वो सर्वर, क्योंकि एप्पल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है इन चीज़ों को, तो मे बी वो सर्वर से पकड़ता हो कि टाइम जोन क्या है, मेरी सेटिंग का असर ना हो उसके ऊपर। वेल, लेकिन विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर तो टोटली आप जैसे ही चेंज करेंगे ना आपका नीचे टाइम ही चेंज हो जाएगा और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप जब कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो उसकी लैंग्वेज में खुलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वो हो रहा होता है। तो पहले जब मैं सिस्टम का टाइम गेट करूँगा अपने, तो वो मुझे बताएगा इंटरनली, क्योंकि मिली सेकेंड में चल रहा है, उसको वो कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके उसमें कितना प्लस या कितना माइनस उसने ऑलरेडी कर दिया है वो यहाँ पर लिख के दिया है इसने कि जी ये जो टाइम मैंने दिया है ना, ये ग्रीनविच का जो टाइम था उससे 6 माइनस हुआ हुआ है और ये मुझे मिला है, ठीक है। अच्छा, नतीजा क्या होता है अब कंक्लूजन जो है इस बात का, जहाँ पे हम ख़त्म करेंगे अपनी बात, कि टाइम कहीं पे भी स्टोर होगा वो मिली सेकेंड में स्टोर होगा, और मिली सेकेंड का जो जोन होगा वो ग्रीनविच होगा, दरमियान वाला ज़ीरो, ना प्लस ना माइनस, ज़ीरो होगा। जिसके पास भी वो टाइम पहुँचेगा वो अपने रीजन को देखते हुए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो है उस टाइम में प्लस या माइनस कर लेगा जो भी ऑफसेट बनता है, लेकिन वो मैनुअली नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगर हम उसको मिसाल के तौर पे मैं रीजन +5 में बैठा हूँ बट मुझे +7 करना है, तो वो लाइब्रेरीज उसके लिए मौजूद है, वो भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये सब लोगों को बात समझ आ गई कि टाइम है क्या चीज़ भला, ये टाइम की, वैसे तो टाइम कुछ भी नहीं है भाई, 8:10 हो रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टाइम है ये, और ये टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सेम है। ये जो फिनोमेना है ये वाला, ये तमाम लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज में सेम नहीं है बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज़ की सपोर्ट डाली जाती है बाकायदा। ठीक है, ये कंप्लाइंसेज हैं जो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को फॉलो करना होता है कि ये ग्रीनविच वाला मामला ये उसको सबको पता हो, मिली सेकेंड को सब लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में ये जो टाइम के जो सारे मेथड्स हैं ना, और ये टाइम गेट करने के बाद इसका करना क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ऑब्जेक्ट को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, अल्लाह हाफ़िज़।